स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने प्रदर्शन को लेकर जितने सुर्खियों में थे, उतने ही अपनी पत्नी से तलाक की अफवाहों को लेकर चर्चा में बने हुए। दोनों के अलग होने की खबरें जब से सामने आई हैं, तब से सोशल मीडिया पर अलग अलग दावों की भरमार। इस बीच सर्बियाई मॉडल और एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक का कहना है कि लोग दूसरे को जज करने में बहुत जल्दी करते। चलिए आपको बताएंगे इस वीडियो में हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के डिवोर्स रूमर का सबसे लेटेस्ट अपडेट। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते। अफवाह रही कि हार्दिक वाइफ नताशा स्टैनकोविक के साथ तलाक ले सकते हैं। हार्दिक और नताशा दोनों ही इस पर चुप्पी साधे थे, लेकिन नताशा अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ ना कुछ कहती रहती। इस बार उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने अचानक आए ख्याल के बारे में बताया। बता दें कि नताशा स्टैनकोविक लाइमलाइट से दूर रहती, लेकिन इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती। नताशा ने अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी पर अचानक आए थॉट को शेयर किया और हमेशा दूसरों पर जजमेंट पास करने वालों की क्लास लगा दी। चलिए आपको समझाते हैं आखिर नताशा की लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी क्या कहती। नताशा स्टैनकोविक इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती। वैसे तो नताशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात शेयर करती हैं। नताशा की लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी में आप देख सकते हैं कि उन्होंने जजमेंट पास करने वालों पर तंज कसा है। बता दें कि उनका कहना है कि उन्हें ख्याल कॉफी पीते हुए अचानक से आया और उन्होंने वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर दिया। नताशा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में जो वीडियो शेयर किया है, उसमें कॉफी पीते हुए अपनी बात कर रही। नताशा कहती हैं, बैठकर अपनी कॉफी पी रही थी, तभी मुझे रैंडम एक ख्याल आया कि कैसे लोग एकदम से दूसरों के लिए जजमेंटल बन जाते हैं, जबकि वो अपने कैरेक्टर में एक्टिंग कर रहा होता है जो उसके आसपास चल रहा होता है। वहीं नताशा ने आगे कहा कि अगर हम किसी को देखते हैं जो अपने जैसा बिहेव नहीं कर रहा, हम ना रुकते हैं ना सोचते हैं, बस उसके बारे में फैसला तुरंत कर लेते। हम ये नहीं देखते हैं कि उन पर क्या गुजर रही, उस व्यक्ति के साथ इस समय क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, चलिए हम थोड़ा कम जजमेंटल बनते हैं, धैर्य रखते हैं और उसके लिए कुछ सिंपैथी दिखाते हैं। नताशा की इन बातों से ये साफ पता चल रहा है कि वो अपने डिवोर्स के फैले रूमर्स को लेकर लोगों पर तंज कस रहे हैं, कि लोग उनके और हार्दिक के रिलेशनशिप को लेकर काफी जल्दबाजी कर रहे हैं। बता दें कि उनकी इस इंस्टाग्राम स्टोरी से ये साफ पता चल रहा है कि वो लोगों को ये मैसेज देना चाहती हैं कि जो रूमर्स लोग फैला रहे हैं, वो उनका डिसीजन काफी गलत है और काफी जल्दबाजी भरा है। वो हार्दिक और नताशा के इस रिलेशनशिप के लिए काफी जजमेंटल हो रहे हैं। माना कि वो दोनों अभी अलग हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिसके बाद नताशा वीडियो के आखिरी में लोगों को हिदायत देती हैं कि वो नताशा और हार्दिक की सिचुएशन को समझे और उनके लिए सिंपैथी बनाए रखे। बता दें कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के तलाक की अफवाह रेडिट पोस्ट से शुरू हुई, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से क्रिकेटर का सरनेम हटा दिया और यहां पे अफवाह लगातार बढ़ती चली गई। पांड्या ने 31 मई 2020 को स्टैनकोविक से शादी की थी। इस कपल ने उसी साल 30 जुलाई को अपने पहले बच्चे अगस्त्य का स्वागत किया। अब देखना ये होगा कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक इस पर आधिकारिक बयान कब देते हैं। इसी तरह की बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड केसरी पर। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।